क्या आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है? लगता है। आपको लगता है कि आपके मतलब पापा जो हैं वो दोषी हैं? कौन पापा? अब तो देख अपने रहे हैं, जीवन के लिए आप क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? क्या सोचेंगे, अब तो देख ही रहे हैं। क्या शादी अरे सर कीजिएगा? बोला, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते इस सब मैटर में। नहीं, इतना ही सब तो नहीं पूछे हैं। आँख में आंसू, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आंसू नहीं आए। अंदर से पछतावा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, पछतावा नहीं हुआ। नमस्कार, मैं कीर्तिमणि तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। तो अभी हमारे साथ आरती है, तो सबसे पहले हम इनसे पूछ लेते हैं आप कैसे हैं। ठीक है। लगभग बहुत दिन हो गया, 70 दिन हो गया है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और आपका तबीयत कैसा है? ठीक है। ठीक है कि इनकी भाभी जो है वो गिरफ्तार हो गई है, लगभग बहुत दिन के बाद गिरफ्तार हुई है, क्या आपको इस बारे में पता है? जी। कैसे गिरफ्तार हुई? सिलेंडर किए गए अपने आप को? जी। आपको मतलब पुलिस प्रशासन से जानकारी मिला था? जी। कैसे, क्या हुआ था? क्या मतलब जब आपको पता चला, कब आपको पता चला? 3-4 रोज पहले पता चला। 3-4 रोज हो गया। तो आप गई थी वहाँ पे, थाना गई थी आप? थाना, हाँ। तो वहाँ पे क्या सब हुआ? ऐसे बातचीत की। फिर भी बताए होंगे ना पुलिस प्रशासन क्या सब हुआ? वो तो अरेस्ट हुए पहले बताए हमको कि हाँ अरेस्ट हो गए हैं, कॉल करके बोले थे प्रशासन की तरफ से। जी। क्या बोले थे? कि अरेस्ट हो गए हैं वो सब, अपने आप को सरेंडर कर दिए। तो इसकी भाभी जो है अपने आप को पुलिस के हवाले कर दी, क्योंकि बहुत दिन हो गया होगा, शायद उनको लग गया होगा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो अपने आप को वो पुलिस के हवाले कर दी है। क्या आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, और सभी हो गए? कौन कौन हुए हैं गिरफ्तार? जितना आदमी का नाम जब था सब हो चुका है, उसमें 2 और नहीं हुआ है। 2 और नहीं हुआ है? कौन कौन है दो? निर्भय यादव और अरुण यादव। ये नहीं हुए अभी है? नहीं। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? चाहते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। आपका पूरा फैमिली जो है वो गिरफ्तार हो गया है, अब आपको कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा? नहीं, अब सभी आरोपी जो हैं, छोटू के सभी आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, फिर आप नाखुश क्यों हैं? नाखुश मुझे छोटू के बहुत याद आते हैं। छोटू का याद आता है फिर भी? लेकिन 70 दिन हो गए हैं, आपके सभी परिवार जो है गिरफ्तार हो गया है, कातिल गिरफ्तार हो गए हैं सभी, फिर भी आप खुश नहीं हैं? आप खुश काहे नहीं है? क्या आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है? लगता है। तो फिर आप रोने काहे लगते हैं आप? यहाँ पे कोई दिक्कत भी होता है आपको? नहीं। तो फिर आप रो खा रहे हैं? सबसे पहला इनके आंसू में जो है बहुत दर्द छुपा हुआ है, और आंसू से क्या बयां किया जाए ये तो पता नहीं, क्योंकि आंसू से ही आदमी बहुत कुछ बयां कर देते हैं अपने आंसू से, कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं है ये तो खुद जानती होगी मेरे अंदर क्या है, लेकिन आंख से आंसू निकल रहा है, इनका मतलब है इनके अंदर बहुत दुख है, और आप खुश नहीं हैं। अभी तो सारे आरोपी जो हैं आपके घर के गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, वो तो हो चुके हैं। क्या आपको पछतावा भी हो रहा है? पछतावा क्या होगा कि आप अपने माता पिता के खिलाफ हैं? नहीं, जो कानून है, जो बात है, तो उस पर तो आदमी करेंगे ही ना। क्या आपको अभी नहीं लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं? नहीं, आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं। जी। क्या आपको लगता है कि आपके मतलब पापा जो हैं वो दोषी हैं? कौन पापा? आपके पापा। उसमें तो वहाँ पे होगा फैसला कौन दोषी है कौन क्या है, जितना था उसमें नामजद उतना तो हो ही गया है ना। तो आप खुश हैं कि मेरे माता पिता सब अरेस्ट हो गए? इसमें खुश की क्या बात है, उनको क्या सज़ा मिलना चाहिए आपकी तरफ से? वो तो कोर्ट जानेगा। नहीं तो फिर आप भी मांग रहे थे ना सज़ा?
तो मांग तो रहे थे, मेरे कहने से थोड़े ना है कि अभी हम बोल रहे हैं कि उसको मार दीजिए पूरा, तो मार थोड़े ना देगा। अब कोर्ट ने भी आप प्रशासन से कुछ तो मांगते होंगे, कोर्ट से तो कुछ नया मांगते होंगे। मेरे कहने से थोड़े ना कोई कुछ कर देगा, वो तो कानून जो करेगा करेगा ना। तो आरती जो है सभी अपने आप को जो है कानून के आगे दे दी है कि अब कानून जो करेगा वही होगा, यही ना जी। कानून को अपने आप को समर्पण कर दी है कि कानून जो करे। तो क्या आपका आगे का जीवन कैसा होगा? अब तो अपने जीवन के लिए आप क्या सोच रहे हैं आगे के लिए? क्या सोचेंगे, अब तो देख ही रहे हैं, कोई ना कोई तो चल रहा होगा कि हमारे आगे क्या होगा नहीं होगा। अभी कैसे हम बता सकते हैं? कुछ भी जानना चाहती है पब्लिक, आपका आगे का जिंदगी जो है वो कैसे कटेगा? नहीं तो आप शादी कीजिएगा। क्या शादी कीजिएगा? बोला अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते इस सब मैटर में। तो फिर आपके आगे का जिंदगी जो कैसे कटेगा अभी हम कैसे बता देंगे? क्योंकि सबसे पहला सवाल तो आरती का पढ़ाई जो है वो ठप हो गया। आरती अब पढ़ेगी, आप पढ़ना चाहते हैं आगे? पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाइएगा? कंडीशन देख ही रहे कैसा ना है। आप चाहते हैं आगे पढ़े नौकरी करें? तो चाहते हैं। यहाँ के छोटू के पापा की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपको? तो मिल रहा है। पढ़ने के लिए? नौकरी करने के लिए? हाँ मिल रहा है। क्या चाहते हैं ये लोग पढ़ाएं? हाँ। आप तेजस्वी यादव से मिले, क्या उनसे बातचीत होती है? नहीं बात नहीं करते मुझसे। वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा अभी तक? तो मिला है, दबाव दिया है तब तो इतना कुछ हुआ है। वहाँ से सपोर्ट मिला आपको तेजस्वी यादव से? तो फिलहाल आरती को अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हम आगे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इसका पढ़ाई भी ठप है। और लड़की का तो आप जानते हैं, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ हो वो कैसे पढ़े कैसे क्या करे ये तो पता नहीं। ये तो लड़की को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो कुछ कर नहीं सकती अगर ऐसा कांड होता है, ऐसा हादसा होता है किसी के साथ। ये पढ़ना चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पाती है। वीना मानवी जी जो है ये आपको नौकरी के लिए बोली थी? हाँ। क्या अभी तक ये आपसे बात की है? हाँ बात की है। कि नौकरी आपको पक्का मिल जाएगा? इस मैटर में नहीं की है। तो फिर वो क्या मैटर में बात करती है? ऐसे बोलते हैं कहाँ तक पहुँचा है। वो बोलती है कि कहाँ तक पहुँचा है? हाँ मतलब क्या उधर हो रहा है बताओ। बिना मानवी जी आपसे पूछती है कि क्या सब हुआ, वो नहीं बोल रही है कि ये केस कहाँ तक गया, आप उससे नहीं पूछ रहे हैं? मतलब ऐसे नहीं, इतना ही सब तो नहीं पूछे हैं अभी। इधर कॉल नहीं किया, उधर ही किए थे। अब बिना मानवी जी कॉल नहीं कर रही है? किए थे उधर, इधर नहीं किए हैं। इधर नहीं किए हैं? तो फिर आप कैसे बोल दिए कि पूछती है हमसे? उधर पूछती थी, वहाँ से जो आए थे तो कॉल करके पूछी थी। क्या पूछ रही थी? ऐसे मतलब इसका जो अरेस्ट जो नहीं हुआ था ना, हम ही पूछे थे कि मैम क्या हुआ इसमें, नहीं कुछ किए तो बोले कि ठीक है हम मतलब दिल्ली चले आए हैं, नंबर दो तुम यहाँ का DSP का बोले थे नंबर दो, तो नंबर दिए थे। तो शायद कॉल उल किए होंगे, फिर हमको रिटर्न नहीं किए उधर से। तो आप देख रहे हैं आरती बोल रही है कि सभी सपोर्ट कर रहे हैं और सभी साथ दे रहे हैं, यहाँ के छोटू के जो फैमिली हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको नौकरी के लिए, फिर काहे आप रो रहे हैं? फिर आपके आँख में आंसू क्यों है? आँख में आंसू, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आंसू नहीं आएगा। क्यों, आपको अंदर से पछतावा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं पछतावा नहीं हो रहा है कि हम अपने मम्मी पापा के खिलाफ जा रहे हैं? नहीं। तो इनको किसी चीज़ का पछतावा नहीं है, ये सच्चाई के साथ खड़ी है, चाहे इनके मम्मी हो या पापा हो, सबसे बगावत पे उतरी हुई है कि हम जो सच है वो सच है और सच का साथ दे रही है आरती। तो प्लीज़ आप लोग भी इनके साथ दीजिए। और मैं कीर्ति मनी तिवारी, आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार।